नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 2 नवंबर को धनतेरस 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों दीपों का त्यौहार दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, तो वहीं त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री हरि विष्णु जी की गणेश जी की पूजा की जाती है, विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। वहीं दोस्तों धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर जी और धनवंतरी देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान के बढ़ जाते हैं और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की और कुबेर जी की धनवंतरी देव की कृपा विशेष रूप से बरसती है, शांति तरक्की और तरक्की का वरदान भी प्राप्त होता है। धनतेरस का पर्व यानी कि दीपावली से ठीक 2 दिन पहले कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि से को होती है, यानी त्रयोदशी को ही जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है उसी को धनतेरस कहा जाता है। इसलिए धनतेरस का पर्व विशेष रूप से काफ़ी शुभ संयोग आ रहा है और इस बार के धनतेरस पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, तो वहीं कई सारे राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कुछ विशेष राशियां धन से मालामाल बनने वाली हैं। जी हां, क्योंकि माता लक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और इसी वजह से कुछ विशेष राशियों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है। दोस्तों बता दें कि इस बार साल 2021 में धनतेरस 2 नवंबर को दिन यानी कि 2 नवंबर को पड़ रहा है, जिसके कारण यह धनतेरस विशेष रूप से बड़ा लाभकारी रहेगा और कई सारे दुर्लभ संयोग धन योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों बता दें कि धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है और वैसे जाना जाता है क्योंकि धनतेरस के दिन पड़ने के कारण इस धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी आप कह सकते हैं। इस साल त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 11:31 पर शुरू होगा, 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर ग्रहेगी। धनतेरस का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है और इसलिए इस बार धनतेरस का पावन पर्व 2 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और इस साल धनतेरस प्रदोष काल पूजन का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की शाम 5:35 से रात्रि 8:14 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग होने से इस बार का धनतेरस और भी ज़्यादा खास हो गया है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और इसी कारण से कुछ ऐसी राशियां हैं यानी कि कुल मिलाकर 6 ऐसी राशियां हैं जो कि करोड़पति बनने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसी राशियां हैं जिसकी किस्मत माता लक्ष्मी जी चमकाने वाली हैं। साथ ही इस बार सर्वार सिद्धि योग भी बनने जा रहा है धनतेरस के दिन और 7 साल उस बाद अद्भुत संयोग में धनतेरस आ रहा है। इन अद्भुत संयोग में धनतेरस और खरीदारी करने पर उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही गुरु पुरुष योग नक्षत्र के साथ शनि ग्रह की युति भी धनतेरस पर बन रही हैं, जिससे कि इस बार का धनतेरस और भी ज़्यादा खास हो गया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी कि धनतेरस तिथि मनाया जाता है, वहीं अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 4 नवंबर दिन गुरुवार को दीपावली भी मनाया जाएगा, लेकिन ठीक इसके 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है और इस धनतेरस पर कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो दोस्तों बता दें कि कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग राजयोग बनने के कारण माता लक्ष्मी जी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो चुके हैं। खासकर इन 6 राशियों किस्मत को माता लक्ष्मी जी अवश्य चमकाने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके आखिर ये कौन सी राशियां हैं और जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली हैं। दोस्तों बता दें कि इस बार 4 ग्रहों की युति भी बन रही हैं और कई सारे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी खास पूजा आराधना करने का विशेष दिन माना जाता है और धनतेरस के दिन आप कुछ विशेष वस्तु भी लेकर आए, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। इनके विशेष रूप से जो इनको अति प्रिय है कमलगट्टी का माला लेकर आए, धन मोर का पंख लेकर आए। साथ ही विशेष रूप से धनतेरस के दिन आपको शाम को समय पूजा आराधना जरूर करें और जो चीज़ आप धनतेरस के दिन लेकर आएंगे चरण पादुका लेकर आएँ, आप माता का चांदी का सिक्का लेकर आएँ, साथ ही इसको आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूरा आराधना जरूर करें। तो आप चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बने रहेंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो
दोस्तों सबसे पहले जो राशि आती है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि इस बार का धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप लोगों पर बन रही हैं। अब आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे और बिजनेस व्यापार तेजी आएगी, वहीं रुका बदन भी आपका पूरा होगा। नौकरी पदोन्नति का योग बन रहा है, कई प्रकार के आपको लाभ भी मिलने वाले हैं। जो भी धन की रुकावटें आपके जीवन में चली आ रही थी, वह सारी की सारी रुकावटें और दिक्कतें आपके दूर होने वाली हैं। माँ लक्ष्मी जी की खास कृपा से कोई महत्वपूर्ण आप बिजनेस व्यापार रिफाइनेंस हो सकता है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ सैलरी में बढ़ोतरी होंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगले यानी दूसरी राशि जो आती है वो यहाँ पर मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि इस बार का धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहेगा और माँ लक्ष्मी जी की खास कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेंगे, साथ ही साथ धन की वृद्धि रहेंगी। और बता दें कि जो भी काम इस दिन माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके आप करेंगे उसमें आपको बस सत्य सत्य सफलता मिलती नजर आएंगी। और आपको बता दें कि अगर आप कोई धंधा रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, या फिर कोई भी बिजनेस व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, तो वह काम पूरा होने वाला है। व्यापार पहले ठप पड़ गया था तो एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और आइए दोस्तों आप बता देते हैं अगली जो तीसरी राशि आती है वह यहाँ पर आती है। दोस्तों बता दें कि वह है कुंभ राशि। यहाँ कुंभ राशि के जातकों के किस्मत अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली है और इस बार का धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप लोगों पर बने रहेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इस बार आप घरेलू जीवन में शानदार रहेगा, पति पत्नी के बीच संबंध काफी अच्छे होंगे। अब आपके घर में किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं चली परेशानियां चली आ रही थी वह दूर होने वाली हैं। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो आपको भी दूर होने वाली हैं। तो आपको बता दें दोस्तों अगली यानी चौथी राशि आती है वह यहाँ पर आती है तुला राशि। तुला राशि के जातकों अब आपके किस्मत बहुत ही तेजी से चमकेंगे, माता लक्ष्मी जी की खास कृपा दृष्टि रहेंगे। छह राशि आपके भी शामिल हैं दोस्तों। इसमें पढ़ाई लिखाई पर विशेष अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे, रुका बधन कार्य भी पूरा होगा, स्वास्थ्य भी आपका अति उत्तम रहेगा। घर में यानी कि कोई धार्मिक कार्य, व्यापार, व्यवसाय, धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकते हैं और सुधार हो सकते हैं। और आप लोगों के रिश्ते की चर्चा हो सकती है, शादी विवाह की चर्चाएं हो सकती हैं, साथ ही आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहेंगी। आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई भी परेशानी चली आ रही है दूर होंगे। दोस्तों बता दें कि अगली यानी जो राशि आती है वह है यहाँ पर आपको बता दें कि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बता दें कि अब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन बेहद ही प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और आपके किस्मत को चमकाने वाली हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ में आसमान पर रहेगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जो भी काम करेंगे 100% आपको सफलता के उसमें प्राप्त होंगे, यानी कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफी अच्छा साबित होगा। और कुछ भी कार्य करेंगे उसमें 100% आपको सफलता मिलेंगे और दोस्तों आपको व्यापार व्यवसाय में मुनाफा भी देखने को मिलेगा। बता दें कि दोस्तों की अग्नि यानी जो आपकी राशि है वह है यहाँ पर मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि के जातकों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और आपके सारे काम को आजों को पूर्ण करने में आपका सहयोग करेंगे। इसमें आपके बड़े भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होंगे, माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होंगे, घर में खुशियां आएंगे, संतान प्राप्ति का योग भी रहेंगे, जीवन साथी से आपको सहयोग और साथ मिलेगा। दोस्तों घरेलू जीवन भी काफ़ी अच्छा रहेगा, विदेश की यात्राओं को कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ी कंपनियों से आपको मुनाफा आएगा, साथ ही साथ में नौकरी लगने की उम्मीद बन रही है। नई जॉब के साथ साथ नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई रुकावटें चल रही थी जीवन में उन सभी से छुटकारा मिलेंगे, साथ ही साथ इनकम के आय के क्षेत्र में वृद्धि होंगी। लॉटरी सत्ता में आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा, यहाँ तक कि करोड़पति बनने का मौका भी मिलेगा। अब आप जरूर निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि धन से मालामाल हो सकते हैं, रुका हुआ फंसा भी आपको प्राप्त होगा, बैंकिंग के क्षेत्र से आपको लोन वगैरह भी मंजूर हो सकता है और इस लोन के मंजूर होने से आर्थिक स्थिति और आप लोगों के वित्तीय मामले में काफी सुधार देखने को मिलेगा। यहां दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2 नवंबर को जो धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसके कारण 2 नवंबर 2021 को जो धनतेरस मनाया जाएगा, इस धनतेरस पर कई सारे दुर्लभ सबसे योग बनने के कारण ये 6 राशियां ऐसी हैं जो कि करोड़पति बनने वाली हैं, यह धन से मालामाल होने वाली हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू।